चैनल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये अनदर क्लोदिंग रिव्यू। गाइस इससे पहले मैंने अपने चैनल पे फ्लिपकार्ट क्लोदिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि फिर से चलो एक क्लोदिंग हॉल कर लेती हूँ। और इस बार मैंने सिर्फ एक ही पीस लिया है और ये मैंने लिया है फ्रॉम द वेबसाइट कॉल यूयो फैशन। गाइस आजकल आप लोग इंटरनेट पर हर जगह यूट्यूब पर देख पाओगे यूयो फैशन की क्लोदिंग की रिव्यू। कई सारे यूट्यूबर्स जो है इस वेबसाइट के क्लोदिंग्स को लेके तरह तरह की रिव्यूज़ दे रहे हैं, अपने जो खुद के जो ट्राई ऑन हॉल है जो भी है वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक कुछ लेके वहाँ से ट्राई करूँ, आफ्टर दैट अगर मुझे पसंद आए तो मैं और भी ज़्यादा कुछ वहाँ से परचेस कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही क्लोदिंग लिया है फ्रॉम यूयो फैशन और ये बहुत ही मतलब अभी तक मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ देख लिया है और मैं अपनी ऑनेस्ट रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो ये मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, आप देख सकते हो इसे ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है। तो गाइज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैं रहती हूँ बोलपुर शांति निकेतन में जो कि रूरल अर्बन काइंड ऑफ प्लेस है। तो मैं रहती हूँ एग्जैक्टली प्रांतिक टाउनशिप में, तो जो एक्चुअली वो थोड़ा रूरल अर्बन काइंड ऑफ प्लेस ही है। मैं ये इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि डिलीवरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये प्रांतिक में आ सकता है इनके प्रोडक्ट्स, तो ये कहीं भी आ सकता है। यही मैं आप लोगों को मतलब मेरे कहने का पॉइंट था। तो इसे मैंने ऑर्डर किया था लगभग, हालाँकि ये मुझे मिल चुका है अराउंड 1 वीक, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था इसीलिए मैंने वीडियो करने मतलब मैंने नहीं किया है। तो ऑर्डर करने के 7 से 8 दिन के अंदर मुझे ये जो पैकेजिंग है ये रिसीव हो गया था। तो चलिए यही मेरा कहने का मतलब था कि आप डिलीवरी को लेकर आपको कोई चिंता नहीं है, आप पेमेंट कर दो। मैंने जैसे कि पेमेंट कर दिया था तो आ गया, मतलब प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रिसीव भी हो गया था। और हाँ गाइस यहाँ पर आपको COD ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आप चाहते हो कि आप मतलब बैंक ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हो तो COD में भी ले सकते हो। और इसे ओपन करते ही मुझे ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह का जिप लॉक बैग, एक मिनट रुक जाइए, मुझे जिप लॉक बैग में रिसीव हुआ था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, क्योंकि इस तरह का ये है एक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लहंगा, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इस तरह का बैग में अगर आपको रिसीव होता है तो प्रोडक्ट जो है बहुत ही सेफली बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है, कहीं से भी मतलब फट जाने का डर नहीं होता। और ये जो बैग है ना इसे आप मतलब लेने के बाद ज़रूर से संभाल के रखिएगा, क्योंकि क्या है आफ्टर यूजिंग आप इसमें अच्छी तरह से आप धूप वूप दे के आप इसे अच्छी तरह से इसमें रख सकते हो। सो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। सो पैकेज को ओपन करते ही सबसे पहले मैं आपको लहंगा जो है वो दिखा देना चाहूँगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये कि प्रोडक्ट के साथ ना मुझे ये बहुत ही क्यूट सा एक कीचेन मिला है, लेट मी शो यू, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमाइज्ड यूयो फैशन की कीचेन है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा। एंड थैंक यू यूयो फैशन ये देने के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये आपको मिलता है, वो लोग एज अ गिफ्ट आपको भेजते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लहंगे से जो कि है एक मैंने वेबसाइट में देखा था, लिखा हुआ था येलो एंड मेरून शेड में, मतलब ये जो ये एक जैकेट है उसका मतलब मैं आपको बाद में खोल के दिखाती हूँ। ये है चोली का कलर, मतलब ये बैक साइड का है एंड ये है फ्रंट साइड का, एंड ये है हमारा लहंगे का कलर। गाइज वहाँ पर वेबसाइट में मैंने देखा था कि कलर जो है वो थोड़ा मेरूनिश काइंड ऑफ है, लेकिन यहाँ पर ये मैं परफेक्ट मेरून तो नहीं बोल सकूँगी जो कि यहाँ पर वीडियो में तो मेरून ही लग रहा है देखने में, लेकिन सामने से ये थोड़ा सा मेरूनिश ब्राउन काइंड ऑफ इसका कलर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब कलर से मुझे कोई इशू नहीं है, कलर थोड़ा सा तो आपको लाइट इफेक्ट में थोड़ा अलग ही दिखेगा। तो ये है लहंगे का कलर और ये सेमी स्टिच्ड है, आप देख सकते हो
वेस्ट आप दे सकते हो, मतलब ये ट्रिपल एक्सल साइज तक चलाएगा मुझे लगता है, ट्रिपल एक्सल है लेकिन डबल एक्सल तक ये चलाएगा। और गाइज ये सेमी स्टिच्ड है, आप देख सकते हो यहाँ से ये आपको स्टिच करना पड़ेगा। ओके तो इसका लेंथ गाइज आप देख लो एक बार, काफी ज्यादा लंबा है, मतलब मेरी हाइट 5'7" है, लेकिन ये मुझे भी मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा यहाँ से ऊपर से ना एक ऐसे मतलब बेंड करके इसे स्टिच करवाना पड़ेगा। और गाइस इसकी मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, और इसका मटेरियल है बैंगलोरी सैटिन सिल्क काइंड ऑफ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको कंफर्टेबल फील होगा अगर आप इसे पहनते हो, कोई भी मतलब आपको इशू नहीं है, मतलब स्किन में इचीनेस या फिर इरिटेशन ऐसा कुछ नहीं होगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात कर बोलना चाहूँगी कि इसमें आपको अंदर कोई अस्तर वगैरह नहीं डाला हुआ है, तो अगर आपको आप चाहते हो इसका थोड़ा सा जो लुक है थोड़ा घेरा वगैरह ठीक से आए, आप इसमें कैन कैन भी लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल जो सूती का नेट है वो आप इसमें मतलब अपने जो टेलर है उस उनसे आप कह के ये सिलवा सकते हो। तो ये है इसका घाघरा। ओके अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी चोली। तो गाइस चोली में आपको टू पीसेस मिलता है, एक तो है ये जो कि है फ्रंट का और दूसरा है ये बैक साइड का, मतलब बैक में आप इस तरह से इसे इतना सा कपड़ा आपको मिलता है, लाइक जितना कपड़ा गाइज वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको डबल एक्सल साइज का लहंगा आप सिलवा सकते हो, ठीक है। और फ्रंट का मैं आपको दिखाना चाहूँगी, फ्रंट का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा गाइज, आप देख सकते हो सामने से इन लोगों का एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है यहाँ पर गोल्डन एंड रेड में, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, आपको मैं पास से थोड़ा दिखाना चाहूँगी इसका काम। आप देखिए ये जो काम है ना इसका फिनिशिंग ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ इस तरीके का है, इससे आप स्लीवलेस भी बना सकते हो, यहाँ पर ये जो अस्तर है बैक साइड का जो अस्तर है इसमें इतना कपड़ा है कि आप अगर इसे इतना मतलब इसे कितना ग्लास, हम लोग बंगाली में ये ग्लास हाथा बोलते हैं, मतलब ग्लास हैंड तक आप बना सकते हो यहाँ तक। तो जिन लोगों का फिगर मेरी तरह है वो इसे ग्लास हैंड तक यहाँ पर बना सकते हो इस अस्तर से, ये वाला अस्तर से। ओके ये वाला से तो, और जो लोग थोड़ा मतलब जिन लोगों का साइज एक्सेल या फिर डबल एक्सेल है वो लोग इसे स्लीवलेस या फिर इतना मतलब सिर्फ स्लीवलेस से इतना तक आप लोग बना सकते हो, ये मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो था चोली। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीस इज दिस ब्यूटिफुल जैकेट। गाइज लुक एट द कलर, गाइज कलर कॉम्बिनेशन इसका इतना बढ़िया आएगा, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसे पहन के भी दिखाऊंगी। इसका मतलब मैं तो फिदा हो गई, ये जो तीन कलर्स है ना इसमें इतना ज़्यादा बढ़िया सा मतलब कॉम्बिनेशन आ रहा है इसका। इस ये जो चोली है ना इसका साइज है 42 इंच। ओके मतलब साइज में ये आपको आएगा 42 इंच, और इसकी जो लेंथ है ना गाइज ये है 53 इंच। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना टॉल फिगर और एक्सेल मतलब डबल एक्सेल साइज का जो भी वुमन है वो इसे आराम से पहन सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको हैंड्स में हैंड आपको इतना तक आएगा। ओके और यहाँ पर हैंड में आपको बहुत ही बढ़िया सा मतलब ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है ब्लू में। ओके हाथ आपका इतना आ रहा है, फ्रंट स्लिट है पूरा आप देख सकते हो, एक मिनट ठीक से आपको दिखा देते हैं, पर फ्रंट स्लिट है ये कुछ इस तरीके का आएगा। और फ्रंट स्लिट में भी आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा जरी का एक पाइपिंग दिया हुआ है, और लेंथ में आपको इसका दिखा देना चाहूँगी, इतना ज़्यादा लंबा है ना गाइज, मैं आपको किस तरह से दिखाऊँ। और नीचे भी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सेम हैंड में जो वर्क किया है वो नीचे भी ऐसे ही किया हुआ है। और गाइज इसके साथ ना आपको ये धागे वाला पॉम पॉम भी मिलता है, जो कि आप यहाँ पर ना जब लगाओगे
इस तरह से यहाँ से लगा सकते हो। गाइज अगर मैं आपको फुल लुक नहीं दिखाऊंगी ना आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। ये सैटिन बेंगलोरी सिल्क में ही है इसका कपड़ा और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। पहनने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत ही नहीं होगी। तो गाइज अभी बात करते हैं कि इसकी प्राइस रेंज की। गाइज इसकी प्राइस है ₹1199। इसके साथ आपको शिपिंग का कॉस्ट पड़ जाएगा ₹99 जो कि आपको एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस प्राइस रेंज में मुझे ये प्रोडक्ट बढ़िया बढ़िया लगा, मतलब मैं सच में बोल रही हूँ आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट विद दिस इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लहंगा। लेट्स सी ये मुझ पे कैसा जाता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे ये पहन के कैसा लग रहा है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो लेके। और गाइस यूयू फैशन की मैं और भी कई सारे कपड़े जो है परचेस करने वाली हूँ और एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पहन के मुझे कैसा लग रहा है, थोड़ा सा लुक वगैरह मैं आपको दिखा देना चाहूँगी।